ऐसे एक्जन सब द्रामो तेम आसान 20,000 रुपये तेम करमे जुर्मान तेम आसान 20,000 रुपये करमे जुर्मान बे आसे खोलमो 3 किलो वाट लोड ये तो जाती है ना कुलन गांव के मैंने लोकन छ खोलमो 3 किलो वाट खोलमो लोड वो 3,000 रुपये इस वक्त पे कर रहे हैं और यहां पे ये शर्म नहीं आती है इनको जिनको 500 करोड़ का ठेका है इन्होंने इलीगल कनेक्शन लगाया है तो ये चीजें मैं थोड़ी बर्दाश्त करूंगा मेहरबानी करे एक तो ये काटिए अगर इन लीगली करूँ आज उसके लिए ये डेडिकेटेड सिस्टम तो होगा ना परमिशन कहाँ है इनका अगर वो आप ओनमोत अगर वो पावर से ओनमोत एग्रीमेंट का तो क्या छ ऑन व्हाट बेसिस तुम शिया तो असिस्टेंट और ऑफिसर अगर जन ये नफर छ ये मस नफर पूछो तू ये त्रिपाल किन से लागू मदा ये गाश पे सरकार कुलप आई से नियर वो ये दी यमने ये दी यमने से इस तरह सॉरी अलग है बस ठीक है शक ना मतलब कोई मीटर का होगा ना मे वो तुम इमीजिएट अफसर तुम तहसीलदार वह बोर्ड अफसर आसान आप बताइए कि आपको इनफॉर्मेशन होनी चाहिए मतलब यह सिर्फ अगर अस कुछ गास तुल तो कह हिला अगर कह पस अबिस मज बना तुम्हें पटवर सब तुम्हें तेज वे कित बना अगर यो ये कंस्ट्रक्शन कर आप बताइए कि परमिशन क्या टर्म्स एंड कंडीशन क्या सोसाइटी खतर ये कम्यूनिटी इन क्या मिले यहाँ इन लैंड यूज ग आप ये बताओ सर सो कम्युनिटी खतर पोसन दिन इन सो अलाटमेंट गन क्या दोन त्रेन वर्य यूजर चार्ज बोट भाई यह प्राइवेट पाठ बो नफर बिजनेस कर ये नफर कर बिजनेस तरह अगर गवर्नमेंट एजेंसी अगर यह गवर्नमेंट अगर यह गवर्नमेंट महकम पगह पुलिस स्टेशन बन वो यह सरकारों तुम दफ्तर बन वो सरकार अगर जन आर एंड बी कह हायर बी आर ठीक हूँ तुम डॉक्यूमेंट्स हूँ तुम अगर इन इनकनवीनियंस गलनस वेमेंट सोसाइटी गम आन बोर्ड न तिम गोमुत वन आपके लिए क्या नफा है क्या नुकसान है रोड बन रहा है मोस्ट वेलकम करो ये इन जरूरत आज करो कॉपरेट मगर ये किस नफर खतर क्या ये तो है ना सर यूजर चार्ज कर डिटरमाइन डिप्टी कमिश्नर साहब तिम ब्रो है कित पड़न दियो इंस्टॉलेशन अमे मूजूब दवन जल्दी पहन सर रोड जल्दी ठेकर सिंह मूजूब बीआरओ कर अगर आप एक मीटिंग बुलाए आप डिप्टी कमिश्नर मैडम को फोन कीजिए तुम वो दस रिप्रेजेंटेटिव आमुत आप कॉल कीजिए दस इतने लोकन इशू तमत वनस विद कंसर्नड एम एल ए तो आप एक मीटिंग बुलाइए कल को इन में से 10 लोग वहाँ बुलाएंगे ये हम सेटिस्फाई गसन ठीक है अत मज क्या बे कनाल नीन मगर अच्छे त्रो अति फिलहाल लाइन लाइन डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर लाइन अगर इनको ये पी एच ई का कोई मसला है डेडिकेटेड लाइन ठीक है सर त्रीम चीज यूज़न तो इशू लेटर लिखमस ओतरे चूरम चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको आप बुलाइए यहाँ के लोगों को ये यूज जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको बुलाइए मैडम सत करू कत आप उनको एक चिट्ठी लिखे मुझे भी कॉपी भेजें कि ये हा लुकन हा कंसर्न कि अस यूजन पन वस एसट दिन प्रॉपर्टी दिवान हमें इसमें जो है रेंट चाहिए और उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन किया अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास और उनका भी ये है उनकी भी ये डिमांड है ठीक है सर तो वो आप कॉपी दे दीजिए मंडे तक हम वेट करेंगे अस इन इनके निगोशिएशन के बाद अगर कोई डिसाइड होता है तो ठीक है ये काम करें पत अगर बे कनाल जरूरत पत अगर बे सान सपोर्ट जरूरत हम करेंगे मगर उससे पहले इलीगली ऐसे नहीं कि हुशत मुशत मन हम कर मे सज एम एल ए दपन मे दिया परमिशन या कस आफिसर वन ऐसा नहीं चलेगा तो ये मेरी तरफ से मेहरबानी करके या मंडे तक टाइम है ओके ठीक जो ये साइट है इस वक्त ये खानगुंड में हम हैं और जो रोड वाइडनिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है बारामूला कुपवारा इसमें जो है जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी CBPL और गेमन इंडिया उनका ये जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है और उनके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो है ये साइट जो है डिजिग्नेट की है डंपिंग के लिए या उनके जो है उनका क्वार्टर उनके क्वार्टर्स यहाँ पे रहेंगे लेकिन यहाँ जो लोकल्स हैं उनका ये कंसर्न है कि उनको यहाँ पे इनकन्वीनियंस होती है ये वहाँ से उनके जो ट्रांसफार्मर्स चल रहे हैं उनकी बिजली इस्तेमाल करते हैं या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके मतलब नज़दीक जो है कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस भी हैं उनको इनकन्वीनियंस होती है या इसके साथ साथ जो मेन मसला है वो ये है कि जो लैंड है ये या तो स्टेट लैंड है या काश्तराई है तो इस लैंड के लिए लोगों की ये डिमांड है कि हमें जो है पंचायत के लिए इसमें कंपनसेशन मिलना चाहिए रेंट तो लोग चाहते हैं कि 3 साल या 2 साल के लिए अगर यह प्रोजेक्ट चल रहा है हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है अगर इनको और भी लैंड चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं हम डेवलपमेंट के हक में हैं लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो लोगों के जो कंसर्न
कंसर्नस हैं, लोगों के जो मसाइल है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को बल्कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको भी। तो लोगों की ये डिमांड है कि अगर ये 8 या 10 कनाल लैंड इस वक्त जो है, अगर इस वक्त ये कंपनी यहाँ 2 साल या 3 साल के लिए ले रही है तो इसमें जो है बाज़ाबता उनको रेंट मिलना चाहिए। तो इस सिलसिले में यहाँ तहसीलदार साहब और SHO साहब भी इस वक्त हमारे हमराह थे और हमने जो है ACR साहब के साथ भी बात की, हमने तहसीलदार साहब को डायरेक्ट किया है कि वो एक लेटर लिखें वर्दी डिप्टी कमिश्नर को पारा को और उसमें वो ये कंसर्नस जो हैं उनको ये हाईलाइट करें कि लोगों के इस वक्त कंसर्नस हैं कि अगर उनकी लैंड, स्टेट लैंड या काश्तराई लैंड अगर उनकी पर्टिकुलर विलेज की या हल्के की अगर इस वक्त यूज़ हो रही है, एक कंपनी कर रही है, तो उसमें जो है उन्हें रेंट दिया जाए। थैंक यू।